फ्रेंड्स, दीपक स्टूडियो टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको व्हाट्सएप का कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको काम लायक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम अपना व्हाट्सएप खोलेंगे और थ्री डॉट्स पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे, अपने अकाउंट में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे और एकदम लास्ट में जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे लास्ट में फिंगर लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। तब हमारा फिंगर मांगेगा, तो हम अपना फिंगर लगा देता हूँ मैं। देखिए मेरा फिंगर सक्सेसफुल हो गया, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। और ये सेटिंग देखिए, आपको इस पर रहना चाहिए, ये सेटिंग आपका यहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं बैक आता हूँ, देखते हैं क्या हमारे व्हाट्सएप पे सेटिंग लग गया क्या फिंगरप्रिंट। जाते समय हमारे व्हाट्सएप पे फिंगर नहीं था, देखिए फिंगर मांग रहा है। देखिए दोस्तों, तो अब दूसरा सेटिंग का बात करते हैं। देखिए आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ। पहले व्हाट्सएप खोलेंगे, उसके बाद हम थ्री डॉट पे फिर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद चैट में जाएंगे। वॉलपेपर का हमें ऑप्शन एक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अपनी गैलरी से आप इसमें वॉलपेपर कोई सा भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, अपना तिरंगा मैं सेट कर दे रहा हूँ अपने बैकग्राउंड पे। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या हमारे व्हाट्सएप पे बैकग्राउंड सेट हो गया। हाँ दोस्तों, देखिए हमारे व्हाट्सएप पे बैकग्राउंड सेट हो चुका है, तिरंगे का नीचे, देखिए पीछे पीछे वीडियो के नीचे। तो अब हम लोग फिर बैक आते हैं, अपने व्हाट्सएप के तीसरे सेटिंग को देखते हैं हम लोग। तो फिर से व्हाट्सएप खोलेंगे, फिंगर लगाएंगे अपना, थ्री डॉट्स पे आएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, प्राइवेसी पे जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो कि आप अपने जो दोस्त का मैसेज पढ़ लेंगे, आप उस आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया है। तो आइए हम अपना चेक करके देखते हैं। इसके लिए मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। अब मैं इस मोबाइल से अपना व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजूँगा। देखिए व्हाट्सएप पे गया, दीपक राज मेरा ऊपर इस मोबाइल में नंबर सेव है, देखिए उसको क्लिक किया और इस मैसेज में जाके मैं देखिए कुछ भी लिख देता हूँ। हाय, हेलो। देखिए दो ठो मैसेज गया दोस्तों। अब हम अपने मोबाइल में चेक करते हैं कि क्या हमारा मोबाइल में मैसेज पढ़ लिया, फिर इसको फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ टिक लगा या नहीं लगा है। इस पर आप टाइम का गौर कर लीजिएगा, 9:09 पे है दोनों मैसेज। आइए अपने व्हाट्सएप पे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे में मैसेज आ चुका है, दो मैसेज। देखिए दोस्तों, मैंने मैसेज को पढ़ लिया, हाय हेलो लिखा हुआ है। अब फिर से हम अपने कैमरे में जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे मैसेज 9:09 का है, वही मैसेज है पुराना वाला। हम लोग मैसेज पढ़ भी लिए हैं और इसमें मैसेज दिखा भी नहीं रहा है कि हम लोग मैसेज पढ़ लिए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने तीसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और फिर से थ्री डॉट्स पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे और इस सिक्योरिटी को मतलब मैं पहले से ऑन रखा हूँ, आप लोग इसको ऑन कर लीजिएगा, ऐसे रहेगा आप खुद आप में, इसको ऑन कर लीजिएगा।
इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपको कोई भी मतलब जैसे हैकर समझ लीजिए, कोई भी हैकर आपका व्हाट्सअप को कभी भी हैकर नहीं हैक नहीं कर पाएगा जब तक इसको आप बंद नहीं करेंगे। वो जब भी आपको हैक करेगा आपका मोबाइल मतलब आपको बता देगी मैसेज से, मेरे को हैक करना तो आता नहीं इसलिए आप लोग को ये नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।